मेरा YouTube पे आना बहुत ज्यादा रैंडम था। सबसे ज्यादा वायरल लॉन्ग वीडियो है ना, उससे मुझे इतने डॉलर बने, रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दी, एंड दैट वीडियो गॉट 30K व्यूज इन अ मंथ। मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था कैमरा फेस करने में। मैंने खुद से सीखा है, पहले मैं स्क्रिप्ट लिख लिख के बोलती थी। एक साल के अंदर मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे। Special thanks to my subscribers. Thank you so much for always supporting me and showing me so much love. And before getting in this video, I wanted to say I wasn't able to shoot in a proper background. I'm really sorry for that. But this video is very close to my heart. So please make sure to watch this video till end. टुडे आई कम्प्लीटेड माई $100। मैं जिस एज में हूँ, मतलब अभी तो मैं 20 क्रॉस्ड हूँ, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर दोज हु वॉन्ट टू नो के ये सब कैसे हुआ, और या वो लोग जो खुद भी ट्राई करना चाहते हैं। देखो, मेरा यूट्यूब पे आना बहुत ज्यादा रैंडम था। मैं ना LN में पढ़ रही थी, और उसमें उस टाइम मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मुझे फील हुई कि मैं ये सब चीजें शेयर कर सकती हूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी था ना। मेरे को एडिटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, मैं ना फोटोग्राफी भी करती थी, तो मेरा थोड़ा इन सब चीज में इंटरेस्ट था। बट मेरे साथ ऐसा था कि मैं ना कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा शाय थी, और मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था कैमरा फेस करने में। आप मेरी जाके पुरानी वीडियोस देखना तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ, इसने अपना कॉन्फिडेंस खुद से बिल्ड किया है। मैंने खुद से सीखा है, मतलब मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। मैंने जितनी भी एडिटिंग करी है, पहले मैं स्क्रिप्ट लिख लिख के बोलती थी, तो वो भी मैंने खुद से करी, और फिर उसके बाद मतलब फिर मैं तो ऐसे रैंडम टॉक्स भी करने लगी आप लोगों के साथ। ये सब मैंने खुद से ही सीखा है। ये मेरी एक वीडियो थी गर्ल्स हॉस्टल करके, और जिसमें मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया और ना मैंने कुछ बोला, बट मैंने बस रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दी, एंड दैट वीडियो गॉट 30K व्यूज इन अ मंथ। और उसकी वजह से ना मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे। फिर जब मैंने देखा भाई इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो उसके बाद मैंने अ डे इन माय लाइफ स्टार्ट करी, और ऐसे करते करते मेरा पूरा सब कुछ स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद जब मैं LN में पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि मुझे ना आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मेरे को फिर लगने लगा कि यार ऐसे क्वेश्चन भी तो कोई पूछ सकता है, तो मैं ये क्यों ना शेयर करूं। एंड लकीली एक साल के अंदर मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, तो मुझे ना ये सब करने में बहुत मजा आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। जो मेरी 2-3 वीडियो ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा व्यूज लिया, एंड उसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा ऑडियंस बढ़ी, और फिर उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा रेवेन्यू भी बना। मतलब सबसे ज्यादा वायरल लॉन्ग वीडियो है ना, उससे मुझे इतने डॉलर बने, एंड जो मेरे सबसे ज्यादा शॉर्ट वायरल वीडियो है उससे मेरे इतने डॉलर बने। तो देखो यार, इस चीज से मुझे इतना तो पता है कि लॉन्ग टर्म वीडियो बनाने में ही फायदा है। बट अभी क्या है कि मेरे पेपर है 5 मई को। आप सबको पता है मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपना इसमें दे रही हूँ, और मैं ये सच में करना भी चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ, कोई किसी का फोर्स नहीं है। बट मैं अभी आप लोगों के साथ भी रहना चाहती हूँ एट दिस मोमेंट, क्योंकि मेरे को ना ये कम्युनिटी, जो एक पॉजिटिविटी जो हम लोगों की बनी है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जो लोग चाहते हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप आज से ही करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आएंगे, या मैं बहुत अच्छा कैमरा लूंगी, या मेरे पास माइक आ जाए, या मेरे पास ट्राइपॉड आ जाए, मैं तब स्टार्ट करूंगी। जस्ट स्टार्ट नाउ। अगर आपके पास कोई नीच है, या आप लोग किसी चीज को शेयर करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, बस आप अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाओगे ना, और तो वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। देखो, इस चीज में भी कोई फायदा नहीं है कि आप अपने रिलेटिव से कहो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल। उससे क्या होगा कि वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे बस, बट जो आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस होगी ना, वो ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने आपके कहने पर सब्सक्राइब तो कर दिया, बट आपको क्या पता वो आपकी वीडियोस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, एडिटिंग किस तरीके से करनी है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार, मैंने थोड़ा इस तरीके से बोला था, बट आई डोंट थिंक सो ये सही तरीका है बोलने का, तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बोलूं। मैं अपना बताऊं तो मैंने ना किसी को भी नहीं बताया था, जो मेरे खास थे मम्मी पापा, इन सबको भी मैंने बहुत बाद में बताया, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे। मतलब मैं इतनी खुश होती थी, मम्मी मेरे 100 हो गए, तो मम्मी पता क्या कहती, चल चल अभी तो 900 बाकी है। तो मैंने जब भी उनको अपने 100 प्लस बताया ना, उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया, मतलब बोला है कि अभी तो इतने बाकी है, इतने बाकी है, और आज मेरे पास 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एक टाइप से ना मेरी सारी मेमोरीज यूट्यूब पे है, अचीवमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। 20s की एज में तो इंसान टीनेज क्रॉस कर दी, और उसके बाद पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। तो
इसीलिए जो जो भगवान जी आपको राह दिखा रहे हैं ना, जो भी आपके थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं ना, आप उसपे वर्क करो, मे बी वो बहुत अच्छा काम कर जाए। और मुझे तो लगता है लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि प्लीज अपने आप को नेगेटिव मत रखो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। जब भी आपके दिमाग में ये सब चीजें आए ना, तो उससे पहले मेरी जाके वीडियो देख लेना पहली वाली, और उन वीडियोस में व्यूज भी देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ।